हेलो दोस्त, मोडिफिकेशन आपने भी पढ़ा होगा और संधि विच्छेद भी पढ़ा होगा। थोड़ा सा मोडिफिकेशन को हम थोड़ा सा अलग अलग करना चाह रहे हैं, तो क्या बनेगा? प्लस में हम ग्रुप डी एग्जाम भी जोड़ना चाह रहे हैं और फिर इक्वल करेंगे तो एक शब्द बनने वाला है, वो है यूपी इलेक्शन। यूपी इलेक्शन यानी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, जिसको बोडमस के द्वारा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह से त्यौहार का सीजन शुरू है। त्यौहार कहें तो क्या कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा और एनटीपीसी के बारे में अच्छे अच्छे लिंक आ रहे हैं, अच्छे अच्छे अपडेट आ रहे हैं और बस दो अपडेट आ चुका है, तीसरा अपडेट बाकी है। तीसरा अपडेट रास्ते में होगा और तोपों की सलामी उन आरआरबी एम्प्लॉई को जो अभी टाइपिंग में लगे होंगे कि तीसरा नोटिफिकेशन आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। 9 से 15 के बीच में से या उसके आसपास जरूर आएगा। तो कहिएगा कि ये बाद में बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हमने सुबह भी किया, परसों भी किया था, क्योंकि मुझे पता था कि त्यौहार शुरू होने वाला है यूपी इलेक्शन का, और जितना जल्दी त्यौहार नज़दीक आएगा उतनी मजबूत आपकी दावेदारी बढ़ेगी। प्रोसेस की कितनी तेज़ी से होगा वो तो पहले ही पता था, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। तो रेलवे लाइव चैनल पे आप एक बार यूट्यूब पे आप आइएगा, पहले मैं यूट्यूब आपको बता दूँ, पहले थोड़ा ध्यान देने के लिए यूट्यूब पे आइएगा। यूट्यूब पे आने के बाद रेलवे लाइव सर्च कर लीजिएगा। ये नहीं कहिएगा कि मैं पहली बार कह रहा हूँ इसलिए मैं आपको सर्च करने के लिए बोल रहा हूँ। रेलवे लाइव एक बार सर्च कर लीजिएगा। रेलवे लाइव सर्च करेंगे तो रेलवे लाइव चैनल तो आना ही आना है, आएगा, क्योंकि चैनल पे है जो वीडियो। इसके बाद आप इस वीडियो वाला सेक्शन में आ जाइएगा, यहाँ वीडियो वाला सेक्शन आ जाइएगा। और दो तीन दिन के पीछे की, एक तो आज ही वीडियो मैंने 3 घंटा पहले बनाया है, इसको भी देख लीजिएगा मैंने क्या एनालिसिस किया था। और उसके पहले और कुछ वीडियो हमने कल बनाए थे, दो यानी एक दिन पहले दो वीडियो बनाया था कि 9 दिसंबर इसका टारगेट है, इसके आसपास आपको अच्छा खासा न्यूज आने वाला है। दोनों वीडियो देख लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब ये देखेंगे तब अभी की बात समझ में आएगी जो हमारा थंबनेल का बात है, मोदी फिकेशन। और दूसरे टर्म में फिकेशन को हम थोड़ा सा अगर हम इसको बिगाड़ दें फिक्सेशन का रूप, तो इसको बोलते हैं फिक्सेशन, और फिक्सेशन में से सेशन हटा दें तो बोलते हैं फिक्स। फिक्स किस लिए? यूपी इलेक्शन के लिए। किसका है? ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम। तो कहिएगा, स्टेट इलेक्शन और सेंट्रल में तो अंतर पड़ता है। तो एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन का आपका लिंक आ गया है, यहीं से शुरुआत देखिए। सुबह से जो वीडियो देख रहे होंगे इस चैनल पे उन्हें पता है एनटीपीसी से शुरुआत हुआ है, अभी ग्रुप डी पे लगा हुआ है। ग्रुप डी का तीसरा नोटिस बाकी है, उसका वेट करेंगे। तो चलिए यहाँ वेबसाइट पर आएंगे, वेबसाइट पर आइएगा, कोई भी आप आ जाइएगा तो चंडीगढ़ में है। 5 तारीख का संडे का दिन, संडे के दिन इतना बिजी त्यौहार से आपका, हालांकि ये सब नोटिस कल बना हुआ है, मैं बता दूँ सैटरडे का बना हुआ नोटिस है। तो यहाँ पे एनटीपीसी का आ गया, इसको ओपन करिएगा। तो यहाँ पे एनटीपीसी ओपन करिएगा तो यहाँ पे आपका एनटीपीसी का आ जाएगा, जिसमें बोला गया है आपको कि CBT 2 अभी तो नहीं होगा, लेकिन आपका CBT 2 हम करा देंगे फरवरी में 14 से 18 के टेंटेटिव शेड्यूल में। फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट कब आएगा CBT 1 का? तो 15 जनवरी 2022 को आएगा, यानी जनवरी और फरवरी हो गया किसके लिए? तो एनटीपीसी के लिए। तो मार्च ले लें ग्रुप डी के लिए, या फरवरी, 18 फरवरी के बाद भी टाइम बचता है 12 दिन, इसको ले ले, यानी फरवरी लास्ट, यानी फरवरी 2021 के लास्ट से मार्च 2021 तक आपको एक डेट आने वाला है, वो नोटिफिकेशन 3 में आने वाला है। ये मेरा एनालिसिस कर रहा है, हरा हो सकता है एनालिसिस ओरिजिनल के कितना नज़दीक आता है इसमें थोड़ा सा अंतर पड़ता है, क्योंकि आप अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान तो एग्जैक्ट रेलवे के विचार से तो नहीं मिल सकता है। उसके बाद दूसरा लिंक की बात करेंगे। दूसरा लिंक हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, जिसमें एक और मॉडिफिकेशन लिंक, जिसकी नोटिस कब आई थी, 26/11/2021 को आई थी, जिसमें आप देख सकते हैं वेबसाइट पे दिया हुआ है, कहीं पीछे की बात नहीं है कि आपकी मॉडिफिकेशन लिंक होगा, लेकिन इसकी रेलवे की तैयारी नहीं थी। रेलवे को क्या हुआ, एक्सेप्ट करना पड़ा, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि लोगों को मॉडिफिकेशन देना है, क्योंकि जब आपकी कोर्ट केस दोबारा हुआ इलाहाबाद में, जिसकी कोर्ट नंबर 130 इसकी वो है आपका कंप्लेन नंबर, जिसकी सुनवाई 9 तारीख की फिक्स की गई है 9 दिसंबर को, यही है सारी
प्रोसेस का पॉइंट आउट। अब इस पॉइंटेड आउट के चलेंगे तो आपका उसका लिंक का डेट दे दिया है, क्योंकि पहले से तैयारी नहीं था मॉडिफिकेशन लिंक देने का। और मॉडिफिकेशन लिंक देने के लिए आप समझ ही रहे हैं मॉडिफिकेशन लिंक देने का क्या हो सकता है प्रोसेस ये हो सकता है, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा तभी आप दे पाएंगे, क्योंकि पहले वाले तो क्लोज हो चुके थे तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने में लगता है टाइम, और उस टाइम को पूरा करने के लिए अभी क्या कर रहे हैं, आपको नोटिस दे दिया कि 15 तारीख के आपका होगा। तो यानी आप उम्मीद करिए कि 15 तारीख तक अपनी सारा डॉक्यूमेंट तैयारी करके रख लीजिए, फ़ोटो और सिग्नेचर सही रूप में, सही फॉर्मेट में, सही साइज में, केबी के रूप में साइज में भी आपको एडजस्ट करना है। तो ये नोटिस को आप देखेंगे, यहाँ पे आया है, ये भी नोटिस आप देख लीजिए। नोटिस देखेंगे तो यहाँ पे डिटेल हो गया है कि 26 तारीख को हमने आपको मॉडिफिकेशन कर लिख के दे दिया था। हालाँकि कल एक मैं वीडियो बना के बताया था कि मैसेज आया है RRB पटना से, सेम चीज़ें आया है, देख लीजिएगा, दोनों इनवैलिड और आपकी सिग्नेचर हुआ है, एप्लीकेशन हुआ है, एक टाइम का मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाएगा, डेट रहेगा 15/12/2021। आप अपनी सारी चीज़ें तैयारी करके रखिए, और तैयारी करके आपका जैसे ही एप्लीकेशन स्टेटस फिर से चेक कर पाएंगे आप, जो कैंडिडेट एप्लीकेशन स्टेटस नहीं चेक किए हैं उनको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के रूप में ले लेंगे। बहुत कुछ लोगों का कॉल आएगा कि ये एप्लीकेशन मेरा रिजेक्ट हो गया है और या खो गया है, तो मैं कैसे पता करूं? तो हो सकता है स्टेटस पता करने के लिए भी होगा, या लॉगिन में होगा कि हम अपना लॉगिन आईडी भूल गए हैं, उसके लिए भी हो सकता है। उसके बाद बोला जा रहा है कि सारे चीज़ आप तैयारी करके रखी है, क्या क्या तैयार करना है आपको, कीप टू रेडी स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज पर स्पेसिफिकेशन एंड सेंट्रल नोटिफिकेशन। ये साइज होगा कि 100 KB से कम रखना है, JPG फॉर्मेट होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। और 100 KB से कम, जितना कम रखिएगा वो आपके लिए बेनिफिट है, आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर का साइन। ऊपर से सिग्नेचर के बारे में कुछ लोगों को बता दूँ, उसकी सिग्नेचर डायरेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैं अगर रेलवे लाइफ का सिग्नेचर कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो इस टाइप से आपका होना चाहिए सिग्नेचर, ना कि RALY। अगर ऐसा लिखते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट फिर हो सकती है, इसलिए सिग्नेचर आपको कंटिन्यूस में करना है। और ऐसा करना है कि कम से कम एक लेटर के दूसरे लेटर के बीच में ब्रेक ना हो। हाँ, हो सकता है दो शब्द के बीच में अपना ले रहे हैं तो एक लेटर ब्रेक हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूस फ्लो एक बार दिखाना पड़ेगा। साइज के बारे में, पिक्चर में आपका क्या नहीं लगना होना चाहिए, चश्मा नहीं लगाना होना चाहिए, और इसके साफ होनी चाहिए बैकग्राउंड, रेड या ब्लैक, रेड जनरली रखते हैं, रेड बैकग्राउंड रखना चाहिए, पिक्चर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और स्कैन करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप मोबाइल से भी स्कैन कर रहे हैं तो स्कैन करते वक्त कैमरा अच्छे से पोजीशन हो पिक्चर पे। साथ में ये भी ध्यान देना है कि जब आप मोबाइल से पिक्चर खींचते हैं तो कभी कभी अच्छा आपकी मोबाइल है तो 1 GB तक का फ़ोटो हो जाता है, इसको आपको क्रॉप करके या किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको इसको छोटा साइज बनाना है। ध्यान दीजिएगा, इतना GB नहीं लेगा, इसको आपको 100 KB या 200 KB से नीचे लेना होगा जो मॉडिफिकेशन में लिखा होगा। और जनरली हम क्या करते हैं, इसको 50 KB से नीचे रखते हैं, इजी होता है, आसानी से होता है। उसके बाद साइज, ये बक्से की साइज, फोटोग्राफ कितनी लंबी है, कितनी चौड़ाई में है, MM में है, इसकी साइज भी आपको अच्छा से रखना है। तो चलिए, त्यौहार है मॉडिफिकेशन का, मॉडिफिकेशन देखिए, वेबसाइट भी देखेंगे तो मॉडिफिकेशन दिखेगा आपको, मॉडिफिकेशन दिख गया होगा यहाँ भी, और यहाँ भी आपको जहाँ जहाँ देख रहे हैं अभी चल रहा है मॉडिफिकेशन, यानी बोर्डमस का। तो बोर्डमस आप याद रखिए, मैथमेटिक्स काम आएगा आपको एग्ज़ाम में। तो प्लस प्लस बराबर इलेक्शन। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।